जस्टिस आशुतोष कुमार तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय से पूछते हैं कि आप लोगों को साथ रहना है कि नहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या कहती हैं कि हम तेज प्रताप यादव के साथ रहने के लिए तैयार हैं और इसके बाद यही सवाल जब तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है तो तेज प्रताप सीधा सीधा मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमको ऐश्वर्या राय के साथ नहीं रहना है कल 45 मिनट ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की काउंसलिंग हुई और कोर्ट में जो जो हुआ वो आपको जानना बहुत जरूरी है अब नमस्कार मेरा नाम प्रशांत राय है ये वीडियो रेल रेस्ट्रो के द्वारा प्रायोजित है रेल रेस्ट्रो एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेन पर बैठे बैठे आपकी सीट पर खाना पहुंचाती है आप अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करिए और आपकी सीट पर रेल रेस्ट्रो खाना पहुंचा देगी बहरहाल जब तेज प्रताप यादव की कल काउंसलिंग चल रही थी तब तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ ठीक दो बजे पटना कोर्ट पहुंचते हैं और उसी वक्त पहुंचती हैं उनकी धर्म पत्नी ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या राय आई थी चंद्रिका राय यानी कि वो अपने पिताजी के साथ आई थी आप देखिए इस समाज का दिवालियापन कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय अगल बगल खड़े थे लेकिन किसी ने एक दूसरे के तरफ देखा तक नहीं एक कदम भी नहीं बढ़ाया और जो लोग आज से चार साल पहले शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे वो लोग एक दूसरे से बात करना जरूरी नहीं समझे और उसके बाद जस्टिस आशुतोष के सामने बंद कमरे में उनकी काउंसलिंग की गई 45 मिनट तक ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव से जज साहब ने बातचीत की और फिर सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव के साथ रहने को तैयार हो गई लेकिन तेज प्रताप यादव इस बात पर तैयार नहीं हुए कि वो ऐश्वर्या राय के साथ रह लेंगे मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव जो पहले कह चुके थे कि ये शादी मेरे मर्जी से नहीं हुई है हम ऐसे घुट घुट कर जिंदगी

तो दरअसल बात यह है कि 4 जुलाई को पटना जू के गेस्ट हाउस में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के जो पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं वो लोग आपस में मिलेंगे कोर्ट ने इस बात की सख्त हिदायत दी कि उस मीटिंग में तेज प्रताप या ऐश्वर्या नहीं आ सकते हैं वहां पर वकील 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 रहेंगे वकीलों की कमेटी बनाई गई है ऐश्वर्या के वकील पी के पीएन शाही जगन्नाथ सिंह और वहां पर ऐश्वर्या और तेज प्रताप के माता पिता एक दूसरे से मिलेंगे और वो अपना राय व्यक्त करेंगे कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और इसके बाद चार जुलाई को यह मीटिंग होगी और उन्नीस जुलाई को वकील साहब जो कमेटी जो उनके बनाई गई है वो लोग उन्नीस जुलाई को इसका रिपोर्ट सौंपेंगे कोर्ट में उसके बाद कोर्ट यह निर्णय करेगा कि अब क्या होगा बाकी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट से एक दरख्वास्त यह भी की है कि तेज प्रताप यादव की संपत्ति और उनके आय का सही आकलन किया जाए मतलब ये कि 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 ऐश्वर्या राय चाहती हैं हैं कोर्ट को ये बात मालूम चले तेज प्रताप कितने पैसों के मालिक और उनकी आमदनी कितनी है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐश्वर्या राय को तेज प्रताप यादव हर महीना भत्ता के तौर पर तेईस हजार रुपए देते हैं और ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में यह कहा है कि उनका गुजारा तेईस हजार में नहीं हो पा रहा है मतलब ऐश्वर्या राय ये चाहती है कि

ऐश्वर्या राय एक पल को तेज प्रताप यादव के साथ रहने के लिए मान गई थी लेकिन यादव ने, तो ने फैमिली कोर्ट में अर्जी डाल दी तलाक की और उसके बाद पटना की सड़कों पर बहुत बखेड़ा हुआ ऐश्वर्या राय ने इस बात का आरोप लगाया कि मीसा भारती राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं राबड़ी देवी पर राय ने यह आरोप लगाया कि वो उनके लिए दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करती हैं और उसके बाद मतलब लालू परिवार कह लीजिए इस मुद्दे पर उन लोगों की बहुत किरकिरी हुई थी और फिलहाल की अपडेट यह है कि ऐश्वर्या राय कोर्ट में जाकर पैंतालीस मिनट के काउंसिलिंग के सेशन में यह कहती है कि हम तेज प्रताप के साथ रहने को तैयार है लेकिन तेज प्रताप यादव इस बात से कार कर गए बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे आप जनता निशान से जुड़े रहिए बहुत बहुत धन्यवाद